बाड़मेर में मेडिकल कॉलेज बनने के बाद से ही देहदान की घोषणा करने वालों का सिलसिला लगातार जारी है। लोग अपने जन्मदिन, शादी की सालगिरह और अन्य आयोजनों को यादगार बनाने को लेकर मेडिकल कॉलेज में अपने देहदान की घोषणा पत्र जमा करवा रहे हैं। इसी कड़ी में शनिवार को एक दंपत्ति ने अपने माता पिता की पुण्यतिथि को यादगार बनाने और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने को लेकर अपने देहदान के घोषणा पत्र जमा करवाए। वहीं अब तक मेडिकल कॉलेज में 48 देहदान के घोषणा पत्र जमा हो चुके हैं और 3 देह मेडिकल कॉलेज को मिल भी चुकी हैं। बाड़मेर में मेडिकल कॉलेज बनने के बाद से ही देहदान की घोषणा करने वालों का सिलसिला लगातार जारी है। लोग अपने जन्मदिन, शादी की सालगिरह व अन्य आयोजनों को यादगार बनाने को लेकर मेडिकल कॉलेज में अपने देहदान के घोषणा पत्र जमा करवा रहे हैं। इसी कड़ी में शनिवार को एक दंपत्ति ने अपने माता पिता की पुण्यतिथि को यादगार बनाने व उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने को लेकर अपने देहदान के घोषणा पत्र जमा करवाए। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर बीएल मंसूरिया को इस दंपत्ति ने अपने अपने देहदान के घोषणा पत्र सौंपकर अपने माता पिता की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने भी इन दोनों का आभार व्यक्त किया। दरअसल बंसीलाल उम्र 40 वर्ष जो कि राजकीय चिकित्सालय में जीएनएम पद पर कार्यरत हैं। उनके पिता के स्वर्गवास होने के बाद कुछ ही दिन बाद उनकी माता का भी स्वर्गवास हो गया था। उन्हीं की याद में उन्होंने अपनी पत्नी चंदू कुमारी जो कि एक राजकीय विद्यालय की शिक्षिका हैं उसने अपनी अपनी देहदान का मानस बनाया और शनिवार को राजकीय चिकित्सालय पहुंचकर मेडिकल कॉलेज प्रशासन को अपने अपने देहदान की घोषणा पत्र जमा करवाए। इस दौरान मेडिकल कॉलेज का स्टाफ और दंपत्ति के परिवारजन उपस्थित रहे। रात को पुण्यतिथि है 12वीं और आज मेरे पिताजी की पुण्यतिथि है तो उस उपलक्ष्य में हम दोनों ने अपनी इच्छा से निदान किया और ये जो विचार आया ये मेरे महापुरुषों की देन है। ज्योतिबा फुले, गौतम बुद्ध, बाबा साहब, उनकी जो विचारधारा है, उनका जो त्याग है, उनकी वजह से। उन्होंने बाबा साहब ने कहा था कि अपने जीवन में अगर कुछ आए हो तो अपने समाज को देके जाना, तो तन मन बुद्धि श्रम हुनर जो भी है, तो मैं मेरी इच्छा से बाबा साहब की इच्छा से प्रेरित होकर मैं ही अपना स्वयं निदान कर रहा हूँ। क्या काम क्या करते हो, क्या है? मैं नर्सिंग स्टाफ हूँ, 12वीं पीओ में लगा हुआ हूँ। अभी तक हमारी 46 देहदान की घोषणा हो चुकी थी, आज 2 देहदान और की घोषणा हुई है, कुल मिला के 48 देहदान की घोषणा हुई है और 3 उसमें से देह हमारे को मिल भी चुकी है। आम लोगों से क्या अपील करेंगे? आम लोगों से यही अपील है कि ये जो अभी अंगदान पखवाड़ा भी चल रहा है और गवर्नमेंट की और सभी की यही मंशा है कि मृत्यु के बाद में जो है बॉडी को जलाया जाए या दफनाया जाए, लेकिन उस बॉडी में जो कई सारे अंग होते हैं जिसको जो दूसरे मानव को बचाया जा सकता है, तो इस तरह की मुहिम गवर्नमेंट चला रही है। कल से जो पकड़ा शुरू हुआ है तो हम पब्लिक से यही अपेक्षा रहती है कि भी बॉडी दान करें या अंग दान करें तो इनको ये अपने मृत्यु के बाद में जिंदा रहने का जो है एक तरीका जो अपना है और उसे किसी को जीवनदान मिल सकता है, किसी को अच्छी शिक्षा मिल सकती है, तो पब्लिक से यही रहेगी कि भाई वो इस मुहिम में बढ़ चढ़ के भाग लें। देहदान की घोषणा करने वाले बंसीलाल और चंदू कुमारी बताती हैं कि उनके माता पिता की आज पुण्यतिथि है और उन्हीं की याद में हमने देहदान की घोषणा की है। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर बी आर मंसूरिया के मुताबिक मेडिकल कॉलेज में चिकित्सक छात्रों को प्रैक्टिकल के लिए देह की जरूरत पड़ती है और वही बाड़मेर के लोग बढ़ चढ़कर देहदान की घोषणा पत्र जमा करवा कर मेडिकल कॉलेज का सहयोग कर रहे हैं, यह काबिले तारीफ है। प्रिंसिपल के मुताबिक अब तक मेडिकल कॉलेज में 48 देहदान के घोषणा पत्र जमा हो चुके हैं और 3 देह मेडिकल कॉलेज में मिल भी चुकी हैं। मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने अन्य लोगों से भी आगे आकर देहदान की घोषणा पत्र जमा करवाने की अपील की है।